जमारत छान मारा दुनिया देखी भाली तो लीजिए साहिबान, दिखाता हूँ अपराध जगत के खेल, मैं हूँ क्राइम मदारी। गुरुग्राम में उजागर हुआ फर्जी एफआईआर का खेल, भिवानी के युवक ने एडिट कर बनाई एफआईआर और फिर पीजी संचालक से मांगी 1.5 लाख की रंगदारी। ऑनलाइन एफआईआर को एडिट कर किया खेल, लेकिन अब चढ़ा पुलिस के हत्थे। तो साहिबान, ये साइबर सिटी है और यहाँ फर्जी वाले के मामले रोज ही उजागर होते हैं। कभी फर्जी आधार कार्ड, कभी फर्जी लाइसेंस, कभी फर्जी बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, कभी फर्जी टीकाकरण। लेकिन इस बार एक शातिर युवक ने पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए फर्जी एफआईआर ही बना दी। यही नहीं, एफआईआर में शिकायतकर्ता ने सीताराम लिखा और उसे स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में हेड कांस्टेबल बताया। यही नहीं, उसने सीताराम की तैनाती भी बतौर क्लर्क क्राइम ब्रांच मानेसर में दर्ज की। फर्जीवाड़े की इस नई कहानी को रचने वाला भिवानी के ढाणी रिवासा गांव का रहने वाला सुनील है, जिसका शहर के रेलवे रोड स्थित एक पीजी संचालक के साथ पैसे को लेकर विवाद हुआ था। सुनील ने उसे धमकाने का सबसे अलग तरीका इजाद किया। शातिर युवक ने पहले सदर थाने की एफआईआर नंबर 454 को ऑनलाइन से डाउनलोड किया और एक्साइज एक्ट के तहत दर्ज हो चुकी इस एफआईआर में दो और धारा इजाद कर जेएमडी पीजी रेलवे रोड का नाम अंकित कर दिया और फिर सीताराम बनकर फर्जी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का पहचान पत्र बनाकर फर्जी एफआईआर की कॉपी पीजी संचालक को व्हाट्सएप कर दी। यही नहीं, बाद में यह खुद पीजी पर पहुंचा और एफआईआर कैंसिल कराने की बात कहे पीजी संचालक से 1.5 लाख रुपए भी मांग डाले। जब युवक पीजी में आया था तो उसने विजेंदर नाम से आईडी दी थी और मिलने आया तो सीताराम का पुलिस का आई कार्ड दिखाया। ऐसे में पीजी संचालक को शक हुआ और उसने तुरंत पुलिस से संपर्क साधा। तो साहिबान, ये बात तो बिल्कुल सच है कि नकल में भी अक्ल की जरूरत होती है। युवक द्वारा तैयार की गई फर्जी एफआईआर में एक्साइज एक्ट की धारा के अलावा दर्ज की गई दो धाराओं में एक धारा 420 यानी फ्रॉड की तो दूसरी 310A यानी बच्चा चोरी के प्रयास की थी। युवक ने नकल तो की, लेकिन धारा का अधूरा ज्ञान उस पर भारी पड़ा। जब पुलिस ने एक ही एफआईआर में अलग और अटपटी धाराएं दर्ज पाई तो जाकर पता चला कि एफआईआर और पुलिस कर्मी का पहचान पत्र दोनों ही फर्जी है। थाना सदर प्रभारी इंस्पेक्टर दिनेश यादव ने मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने के बाद एक टीम गठित की और एएसआई हरि किशन की टीम ने आरोपी सुनील को गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि उसने पीजी ओनर को सबक सिखाने के लिए फर्जी एफआईआर और फर्जी पुलिस पहचान पत्र एडिट करके कंप्यूटर पर तैयार किया था। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर उसे एक दिन के रिमांड पर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। तो साहिबान, फर्जीवाड़े की ये थी नई कहानी, जिसके उजागर होने के बाद अब अपनी पुलिस जी भी हैरान है। हैरान भी क्यों ना हो, इस बार सेंध खाकी के रिकॉर्ड में लगी है। तो पुलिस जी, अब आपको भी रहना होगा सावधान। क्राइम मदारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।